देखिए हमारा अखरोट का पेड़, इस पे नई कोपलें आ गई हैं। इस एक साल में मैंने और बीना जी ने अपने 17 बंजर खेत, जो कि कुछ कुछ ऐसे ही थे, आबाद कर दिए। उनमें अदरक भी हुआ, दालें बहुत हुई, गेहूं और सरसों अभी बोई हुई हमने। खेत है जो हमारा, यहाँ अखरोट के ये पेड़ लगे हैं। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि इस खेत को भी हम आबाद करें। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बीना जी कर रही हैं घास की कटाई। ये देखिए जो दीवार किस तरीके से पूरी ख़राब हो रखी है, उसको वो तैयार कर रही हैं। और मैं अखरोटों के पेड़ की ये निलाई इस तरीके से घास वगैरह कांटे साफ कर रही हैं। ये कुछ कुछ जब वो अपना काम कर देंगे तो जैसे ये दीवार हो चुकी है खेत की, वो हो जाएगी। एक बार जब ये हो जाएगा उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे कि अब हमने क्या इसमें बोया और अब ये कैसा लग रहा है। हेलो, ये वाले पेड़ पे भी आ गया। ये देखिए खेत ठीक होता जा रहा है। और हमारे करण और किशन, बीना जी ने कर दिया ठीक पूरे ऊपर के कांटे वगैरह। और मैंने ये इतना खोद दिया। करण और किशन दोनों भाई लगे हुए मिर्च बोएंगे लोग यहाँ पे इस खेत में। और यहाँ बीना जी, वो जी किशन जी, इन्हें जाकर दे जरा हाथ हिलावे दे। धुंध है आज। आज 23 मार्च, खेत की हालत अब ऐसी होगी जहाँ जहाँ हमने पूरा इसको खोद दिया है। एक मित्र बोल रहे थे कि क्या आप ऑर्गेनिक अन्न उगाते हैं, तो मैंने कहा यहाँ पे मिट्टी, पानी, हवा सब शुद्ध है। और ये है जो हमारी गोबर की खाद बनती है, ये प्योर ऑर्गेनिक है। तो साथियों, आज है 1 अप्रैल, तो आपने मुझे वीडियो बनाते हुए देखा है और बीना जी को जनरली काम करते हुए देखा है। तो आज बीना जी वीडियो बना रही हैं और मुझे काम करने का कहा गया कि क्या काम करता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे बंजर खेत और ये मेरी कुदाल, और ये हम बहुत धूप है और ये हाथ के छाले, मुझे लग रहा है एक हफ्ता या ज़्यादा भी लग सकता है इसको खोदने में। मेहनत का काम है पर मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये धरती फिर इस तरीके से हो जाएगी तो जो इसमें बीज पड़ेगा वो सोना बनकर फूटेगा। दीवार जो है गिर चुकी है तो बनाना तो मुश्किल है इसको, तो मैंने इसको नीचे से इसकी फाउंडेशन ऐसे बना दी है कि अगर और मिट्टी गिरे तो खेत को ज़्यादा नुकसान ना हो। और ये जो मेरे जैसा आदमी होता है जिसको करना नहीं आता टेक्निकली, तो सिर्फ खोदता है। बीना जी भी करती हैं थोड़ा मदद, थोड़ा
और जो उनका काम है वो ये देखिए कर रहे हैं। हेलो विशाल कुची भगवान जाने भगवान जाने। और ये हमारा सबसे छोटा पेड़ अखरोट का बेबी। और ये भाई साहब दर्शन सिंह जी के दो पेड़, एक के बगल में एक, ये बाकी पूरा अभी छूटा हुआ है, इसको भी करना हमने। अब देखते हैं कब तक हो पाता है। आज 4 अप्रैल 2022, हमने कहा कि इस पूरे खेत को ही खोद डालते हैं, और ये कर दिया हमने। और उसके बाद में अदरक बची थी हमारे पास, और अदरक बो दी और आधे में मिर्च। बहुत लंबा खेत है ये हमारा, ना खुद आराम करती हैं ना हमें आराम करने देती हैं। अब थोड़ा ही रह गया, देखते हैं कितना हो पाता है। और ये अखरोट का पेड़ हमारा भर गया है फलों से और पत्तियों से, और लक्ष्य अब ज़्यादा दूर नहीं है। ये रास्ता बन रखा था इस पे, तो आपने देखा इसको सबसे मुश्किल होता है। साथियों 1 मई 2022, और खेत हो चुका है कंप्लीट। जो पूरा बंजर था मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसके आगे हमने अदरक बो रखी है। घास हरी हो चुकी है, अभी पेड़ भी बिल्कुल खिल चुके हैं, पत्तियां मुस्कुरा रही हैं, बड़े पेड़ों पर अखरोट आ चुके हैं। दुर्भाग्यवश पहाड़ जल रहे हैं, तो ये चारों तरफ जो धुआं है आप देखिए कितना धुआं भरा हुआ है। हेलो, और हमारी सबसे बड़ी मजदूर बीना जी नहीं, वो मजदूरों की इंचार्ज है और मजदूर हूँ मैं। और ये हमारा पेड़ भी खिलखिलाता हुआ, देखिए अखरोट आ चुके हैं अभी। साथियों आज लाया हूँ मैं आपको अपने अखरोट के उस खेत में, जहाँ पे कि मैंने 8 मार्च को आपने वीडियो में पहले देखा कि कार्य शुरू किया था। ये बंजर खेत है, और आज है 23 जून। इस बीच में काफ़ी कुछ काम हो चुका है, मैं लगभग 1-1.5 महीने हम लोग बिजी थे कि हमारी 43 साल के बाद एक पूजा हुई थी, उसकी वजह से भी हम कुछ कार्य नहीं कर पाए। लेकिन जो काम हमने किया है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस खेत में। आप देखिए यहाँ पे हमने मिर्च बोई, अखरोट भी आप देख सकते हैं अभी कैसे हो चुके हैं। यहाँ से अदरक लगानी शुरू की थी हमने, और पहले हमने अदरक लगाई थी कुछ, वो खराब हो गई जमीन ही, तो फिर मैं एक मेरे मित्र हैं आशुतोष ढिल्डियाल उनसे लेके आया, और यहाँ पे अभी हमने वो लगा रखी है। ये घास उसके ऊपर डाली हुई है, नमी बनी रहे और घास उगे नहीं। और ये अखरोट देखिए, ये दिखाना गुंजन, ये हमने बोया था और ये अभी उग गया है। ये उसी समय बोया था हमने, हाँ मार्च में, अयोता पूरी छे मीछे नीचे दाल है।
और ये देखिए जो अदरक पहले लगाई थी थोड़ा सा अभी उगनी शुरू हो गई थी बट अधिकांश खराब हो गई इसलिए अभी नहीं लगाई है। और ये अखरोट का पेड़ वो जो छोटा था मैंने आपको बेबी कहा था कितना छोटा था उस समय अभी हो गया है। यहाँ पर तक अदरक लगा रखी है। यहाँ से आगे थोड़ा बहुत हार्ड था क्योंकि बंजर था और डिफिकल्ट है यहाँ पे काफी काम करना और हम लोगों ने इसमें अभी सिर्फ गहत दालें और दालें वगैरह बोई हैं। ये अखरोट का पेड़ भी आपको दिखाया था उस समय और मैंने कहा था कि उस समय अखरोट आने शुरू हो गए तो देखिए कितने बड़े हो रखे हैं। अभी इस बार अखरोट की खेती अच्छी हुई है और यहाँ पे बंदर लंगूर बहुत ज्यादा आते हैं तो उनको भगाने के लिए ये देखिए मतलब अरेंजमेंट किया था सक्सेसफुल कितना होता है ये देखना पड़ेगा। देखो ये चर के चला गया कोई जानवर ये देखो खा गया ये चूहा खयू चूहे क्या यहाँ पे गुंजन देखो ये पेड़ ना अगले 8-10 साल में कितने लगा रखे हमने जब हो जाएंगे तो अगर खेत बंजर भी रहा तो एटलीस्ट ये फलदार वृक्ष तो रहेंगे। अब ये यहाँ पे एक पेड़ खराब हो गया था हाँ ये रहा वो देखो ये टूट गया था हमारे से ही पर होता है ना जाको राखे साइया फिर जम गया एक भी है टूट गया ना ये भी खराब हो गया था लेकिन ये भी अब जड़ें पकड़ ही ली इसने हो जाएगा ये वाला भी। ये देखिए कांटेदार है इसको टिमरू बोलते हैं हमारे यहाँ पे आप इसको गूगल सर्च करेंगे तो इसका साइंटिफिक नेम भी पता चल जाएगा। और हमारे यहाँ पे पहले इसको या अभी भी कोई लोग इसको दांतून के तौर पे भी यूज़ करते हैं बड़ी झंझनाहट होती है अगर आप करें। इसके साथ ही इसको देव कार्यों में भी शुभ माना जाता है तो अपने घरों में भी रखते हैं हम। इसके काफ़ी अच्छे यू नो औषधीय गुण भी हैं तो शायद कहीं पर खेती भी हो रही है। अब किस तरीके से खेती होगी मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारे बंजर खेत हैं वहाँ पर मैं कुछ करूँगा इसका तो देखते हैं अगर हो पाया टिमरू का। ये तो खैर मैंने बाड़ कर रखी है कोई ना है लेकिन ये देखिए हमारा पेड़ जो मैंने कहा था कि कितना पुराना है बिल्कुल अंदर से खोखला हो गया है और आग ने पहले दफे भी और इस बार भी आग ने इसको तने को इसके जला दिया है लेकिन फिर भी अभी भी मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ है और न जाने कब तक खड़ा रहेगा ये पेड़ हमारा। पहले खोड़ी नहीं टूट देनी अभी कह दे कमटिया और ये देख अखरोट इस बार बिल्कुल नीचे हो रखे है ये अरे ऐसे ही तोड़ देंगे बच्चे अभी हाँ स्कूल वाले स्कूल खुलेंगे जब तो। हमारे यहाँ पता हो क्या नियम है आप ये नहीं है कि मेरा पेड़ है तो मैं सारे तोड़ दूंगा इसकी ब्रांचेस जिस जिस खेत में जैसे ये हमारी भाभी जी का खेत है तो ये जिस समय हमें तोड़ेंगे तो ये उनके हुए जो हमारे खेत में पड़ेंगे वो हमारे हुए जो कॉमन रास्ते में पड़े वो हमारे हुए जो उधर राजेंद्र लोगों के खेत में पड़े वो उनके हुए तो अगर 100 मतलब अखरोट है इसमें और हमारे खेत में सिर्फ 10 पड़े तो हमारे को 10 ही होंगे बाकी 90 और जगह पे और ये सदियों से चला आ रहा है सदियों तक चलता रहेगा। तो दोस्तों 8 मार्च 2022 इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन मैंने और बीना जी ने इस खेत को आबाद करने की सोची थी और आज 23 जून 2022 हो गई है और इस बीच में काफ़ी इवेंट हुए जैसा कि मैंने बताया कि 43 साल के बाद हमारी एक पूजा हुई और हमारा एक स्कूल का महोत्सव भी हुआ फेस्टिवल कौथी देवीखाल जहां मैंने पढ़ाई की थी। मेरे चाचा जी हैं एक श्री राजेश सिंह नेगी जी की डेथ हुई परिवार में तो मेरे जो दोस्त हैं सब्सक्राइबर्स हैं फैमिली मेम्बर्स हैं वो मुझे कहते रहते हैं कि आप वीडियोस लगातार नहीं बनाते जल्दी जल्दी बनाइए जैसा कि मैंने लिखा भी अपने प्रोफाइल में कि मैं वीडियोस बनाता हूं लेकिन मैं अपने गांव की पहाड़ की जो समस्याएं हैं यहां की ज़िंदगी है और यहां की उन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है उसके बेस्ड पे ही सिर्फ वीडियोस बनाता हूं तो इसीलिए आपके पास में मेरे वीडियोस कभी कभी एक एक महीने के बाद पहुंचते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियोस बनाऊं और आप लोगों को जल्दी से जल्दी देखने का मौका मिले पहाड़ की ज़िंदगी को समझने का मौका मिले लेकिन अगर उसमें भी कोई लेट हो गई हो तो आप ये समझिएगा कि मैं
कुछ कर रहा हूँ, कोई रेलिवेंट वीडियो ही बना के आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उसमें अगर कोई आपको सुझाव दिखे या उसमें कोई कमी लगे तो उन चीज़ों को आप ज़रूर कमेंट्स में दीजिएगा, बताइएगा मेरे को। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उन चीज़ों को, उन कमियों को दूर करके आपको बेहतर वीडियोस दिखा सकूँ अपने पहाड़ की ज़िंदगी के बारे में। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय उत्तराखंड।